2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे केसीआर को गुरुवार को प्रधानमंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन केसीआर ने भी करारा जवाब दिया। बोले, देश की हालत खस्ता हो रही। मिशन दक्षिण पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और हैदराबाद से अपने विरोधियों पर गिन गिन कर सियासी हमले किए। चेन्नई में तो हिंदी विरोध के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने तरीके से संभाल लिया, लेकिन असली सियासी तकरार देखने को मिली हैदराबाद में। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम के हैदराबाद आने से कुछ घंटे पहले ही कर्नाटक का रुख कर लिया। ये दूसरा मौका था जब केसीआर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूर रहे और जता दिया कि उनका केंद्र सरकार से 36 का आंकड़ा है। पीएम ने भी चंद्रशेखर राव पर जमकर सियासी हमले किए। इशारों में पीएम ने केसीआर को अंधविश्वासी भी बता दिया और यूपी के सीएम से कुछ सीखने की सलाह दी। 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। पीएम ने हैदराबाद की जमीन से केसीआर ही नहीं पूरे विपक्ष को भी परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। पीएम ने केसीआर के गढ़ हैदराबाद में उन पर सियासी वार किए तो इसका जवाब केसीआर ने बेंगलुरु से दिया, जहां वो पूर्व पीएम देवगौड़ा से मिलने गए थे। केसीआर ने देश के हालात का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होगा। सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रामिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, GDP क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कम्प्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। केसीआर 2024 के सियासी रण से पहले बीजेपी के खिलाफ रीजनल पार्टियों को साथ लाकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसी तरह के सियासी वार प्रतिवार खूब देखने को मिलेंगे। हैदराबाद से आशीष के साथ अक्षय, चेन्नई आज तक।